ज्यादा ही जिद चढ़ी है ना। बहुत जोर तो लगी क्या? बहुत बड़ी गुड न्यूज है। गुड न्यूज है तो दे दो जी। शर्लिन ने शादी के लिए हाँ कर दी। किससे? ऋषभ से। मुझे तो लगता है कि वो टेस्ट रिजल्ट जेन्युइन थे दी, जिसमें आपकी और ऋषभ जी की कंपैटिबिलिटी निकल कर आ गई। इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मैंने शादी के लिए हाँ इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा था कि आप प्रीता के बारे में बात कर रहे, वरना शर्लिन के लिए मैं कभी हाँ बोलता ही नहीं। शर्लिन के मम्मी जी का फोन आया था और उन्होंने ये बताया कि शर्लिन ने ऋषभ को पसंद कर लिया है। भाई, shall we leave? मिस्टर सिंघानिया बस ऑफिस पहुंचते ही होंगे। 5 मिनट हाँ, मैं जल्दी से चाय पी लेता हूँ और फिर चलते। श्योर आप चाय पी लो। 5 मिनट मैं फाइल लेके आ। गुड मॉर्निंग ऋषभ। ओह मॉर्निंग बुआ। कंग्रेचुलेशंस, आई गॉट द गुड न्यूज। या गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। इट्स अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यस मॉर्निंग मम्मी। मुझे पता था पुत्र जी आज आप आओगे चाय पीने, इसलिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय रेडी। भाई ये वो सिंघानिया वाली फाइल है। हां यस, इसमें सारी डिटेल्स मेंशनड है। इससे सिंघानिया को क्लियर हो जाएगा कि उन्हें हमारे साथ कोलैबोरेशन क्यों करना है। वंडरफुल समीर, थैंक यू। क्या बात है पुत्र, थोड़े से टेंशन में लग रहे हो, मूड कुछ ठीक नहीं है, क्या बात हो गई? अरे चाची जी टेंशन ही तो है, दिस डील इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। भाई लेट्स लीव, उनका फोन आता ही होगा। प्लीज मॉम, मैं ऑफिस में कुछ ऑर्डर कर दूंगा। आई विल लीव। जी नाश्ता तो कर ले। ओहो पुत्र जी मेरी बात तो सुन ले, मेरा बेटा भी कितना काम करता है, बस एक बार इसकी शादी हो जाए, कोई इसकी देखभाल करने आ जाए तो मेरी तो टेंशन दूर हो जाएगी। भाभी शादी हो रही है अभी? हाँ जी हाँ हो ही तो रही है शादी, मैं तो भूल गई। देखो जी बातों बातों में एक और बात भूल गई, मम्मी जी के लिए चाय लेके जानी थी। ओह नो, मामी जी कहाँ जा रही है? मुझे उनसे करण और प्रीता के बारे में बात करनी थी। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या बात है, बड़ी हैप्पी हैप्पी लग रही हो। नॉट रियली हैप्पी हैप्पी। जी मम्मा हैप्पी तो बहुत हूँ। वो क्या है ना, मेरे पास एक सीक्रेट है। दरअसल मुझे लगा था कि राखी मामी जी को बताऊंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले आप ही को बता दूं। वो क्या है ना मम्मा। थैंक यू। बोल। तो एक्चुअली मम्मा क्या है ना, मुझे ना डाउट है। अरे डाउट छोड़ो, यकीन है कि करण भाई और प्रीता का सीन चल रहा है। मम्मा आप ठीक तो हो? ठीक हो। ओह गॉड, वो हॉरिबल प्रीता, उसकी जुर्रत की अब वो करण पे डोरे डाले। आई हेट दैट गर्ल, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। दूसरा खानदान का कोई भी लड़का उस थर्ड रेट मिडिल क्लास लड़की के साथ प्यार कर ही नहीं सकता। हद हो गई, उस लड़की ने तो सारी लिमिट क्रॉस कर दी। बहुत चालाक बनती है, उसे तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। ओहो लगता है ऋषभ फाइल घर पे ही छोड़ गया। कोई नहीं कुछ तक। प्रीता आ गई पुत्र? आंटी जी दादी जी की रिपोर्ट्स आ गई? नहीं बेटा जी रिपोर्ट्स तो नहीं आई, उल्टा मैं भी वेट ही कर रही थी, तुझसे बात करनी थी। पता नहीं कौन से लफ्जों में तेरा शुक्रिया अदा करूं, तूने आज जो मेरे लिए किया है ना बेटा, और कोई नहीं कर पाता। थैंक यू सो मच। आप किसकी बात कर रही हैं? ऋषभ जी और शर्लिन जी की? आंटी जी अब आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो आपको बताया ही ना ऋषभ जी के लिए मेरे मन में इतनी रिस्पेक्ट है, और उन्होंने जो मेरे और मेरी फैमिली के लिए किया है उसके बदले में मैं उनके लिए जो कुछ कर रही हूँ ये तो मेरी खुश नसीबी है कि मुझे करने को मिल रहा है। और वाकई मैं तो ऋषभ जी के लिए बहुत खुश हूँ कि उन्हें लाइफ पार्टनर के रूप में शर्लिन जी मिली है। ये जो खुशी उन्हें मिली है ना वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं। तो मैं ये सब सिर्फ आपके लिए नहीं कर रही हूँ, मैं तो मेरे एक अच्छे दोस्त के लिए कर रही हूँ, तो आपका तो शुक्रिया करना बनता ही नहीं है। राइट। अच्छा आप जल्दी से बताइए कि दादी जी की एक्सरे रिपोर्ट्स आई कि नहीं, मुझे उनकी प्रोग्रेस चेक करनी है। नहीं बेटा अभी तक नहीं आई, मैं भी वेट ही कर रही थी रिपोर्ट्स का। मैं ऐसा करती हूँ खुद ही हॉस्पिटल से कलेक्ट करती हूँ, डॉक्टर हूँ मुझे तो दे ही देंगे। प्रीता तू सिटी हॉस्पिटल की साइड ही जा रही है ना? जी। तो पुत्र मेरा एक छोटा सा काम कर दे, एक्चुअली आज ऋषभ ये फाइल्स घर पे ही भूल गया,
पता नहीं क्यों सवेरे से लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा था। सिंघानिया के साथ बहुत इंपॉर्टेंट डील होने वाली है और ये फाइल्स उसी की है। अगर तू ये फाइल्स ऑफिस तक पहुंचा देगी तो इट विल बी रियली स्वीट ऑफ यू। हाँ बिल्कुल दे दूंगी। थैंक यू सो मच बेटा। मैं तुझे एड्रेस मैसेज कर दूंगी, डोंट वरी। ओ या स्मार्ट। ओके फ्रैंकली आई डोंट नो ये जॉब मैं आपको क्यों दूं। ना आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है, ना आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, और ना ही आपके पास कोई पर्टिकुलर टैलेंट है, और आपसे बेहतर कैंडिडेट्स बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो फिर आप तो ये जॉब क्यों दें। मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत है सर, क्योंकि मैं अपनी पिछली जॉब छोड़कर इस शहर में अपना खोया प्यार ढूंढने आया हूँ। वो यहीं कहीं है सर, इसी शहर मुंबई में। कहाँ है पता नहीं सर, लेकिन पता लगाना है सर और उसे मनाना हो सर। इसीलिए मुझे एक जॉब चाहिए ताकि मैं यहाँ रह सकूँ और उसे ढूंढ सकूँ सर। वैसे मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि उसे भूल जाओ, किसी नई लड़की से सगाई कर लो, लेकिन सर मेरा दिल नहीं मानता। सर मुझे एक मौका चाहिए अपने प्यार को पाने के लिए। ये जो आदमी मेरे सामने बैठा है, ऐसा लगता है इस आदमी का हाल भी कुछ मेरे जैसा ही है। हम दोनों की जिंदगी में प्यार एक कॉमन फैक्टर बन गया। सर जिंदगी में पहली बार मैं अपने दिल की सुनना चाहता हूँ। Congratulations for the job. Are you serious, sir? I want my people to be punctual. Yes, sir. तुम्हारी कुछ बातें मेरे ख्यालों से मैच करती हैं, और मैं चाहता हूँ हमारे सब एग्जीक्यूटिव्स के अंदर तुम्हारे जैसा जुनून और पैशन हो। You're on. बाहर हमारे मैनेजर, आप उनके पास जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। Okay, sir. All the best. Thank you so much, sir. वैसे उस लड़की का नाम क्या है? सर उसका नाम है, एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर सिंघानिया आपको बुला रहे हैं, ही इज वेटिंग फॉर यू इन द कॉन्फ्रेंस रूम। शैल वी? श्योर। हम लोग इस बारे में बाद में जरूर बात करेंगे। पता है मुझे ये नौकरी क्यों मिली पीता? क्योंकि मेरे नए बॉस ने तुम्हें ढूंढने की मेरी जरूरत को महसूस किया। उन्हें भी पता चल गया मेरे लिए तुम कितनी इंपॉर्टेंट हो। वहां नासिक में मैं तुम्हारी वजह से फेमस हूँ, यहाँ मुंबई में भी मुझे तुम्हारी वजह से जॉब मिल गई। बस अब तुम मिल जाओ प्रीता किसी तरह। 48 रुपए हो गए मैडम। ओके ये लीजिए 50 रुपए। 2 रुपए छुट्टे नहीं है मैडम। अरे देखिए ध्यान से, होंगे छुट्टे। बोला ना नहीं है, होते तो दे देता। आप 2 रुपए के लिए क्यों टेंशन ले रही हैं? जाने दीजिए ना। ऐसे कैसे जाने दूं? अगर 2-2 रुपए करके 5 ऑटो के भी छोड़ दिए तो 10 रुपए होते हैं। 10 रुपए में क्या नहीं आ जाता? आलू प्याज टमाटर जो लेना चाहो वो आ जाता है। देखिए भैया आप ठीक से देखिए, 2 रुपए है तो ठीक है, वरना लाइए 50 रुपए का नोट वापस करो। मैं अंदर से छुट्टे करा कर लाती हूं। अच्छा रुकिए देखता हूं। बहुत स्मार्ट होते हैं ये ऑटो वाले, हमेशा झूठ बोलते हैं कि छुट्टा नहीं है। देखा कैसे चुपचाप छुट्टा दे दिया उसने मुझे अभी। कितना इजीली झूठ बोलते हैं ये लोग। मैंने तो ऐसे कितनी बार इनके पास पैसे छोड़े हैं, अब कभी 1 रुपया नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं तुम इन सब पछड़ों में मत पड़ना। खूबसूरत लड़की देख के जानबूझ के करते हैं ये सब ऐसा ताकि लंबी बातचीत चले, और हमेशा एक ही बहाना कि छुट्टा नहीं। तुम रहने दो, तुम इन सब के मुंह मत लगना। अब ये मत कहना कि छुट्टे नहीं है। मुंबई की सारी लड़कियां ज्यादा स्मार्ट हो गई। जब 1-1 रुपया इतना मायने रखता है ना तो बेवकूफ बन नहीं सकती तुम जैसों से। सही बोलता था दीपक, ये ऑटो वाले ना बहुत चालू होते हैं। समीर गिव मी द फाइल। फाइल? वो तो मैंने आपको सुबह सुबह दे दी थी जब चाय पी रहे थे। समीर ओ गॉड, वो फाइल तो वहां ब्रेकफास्ट टेबल पे ही रह गई। मॉम को फोन करता हूँ। मैंने स्पेसिफिकली तुम्हें बोला था कि मुझे वो फाइल मीटिंग से पहले देना। ऋषभ आपने मेरे ऑफिस का कोई फाइल देखा है क्या? भाई वो डाइनिंग टेबल पर। हेलो जी पुत्र, वो ब्लैक कलर की फाइल ना, दरअसल वो फाइल मैंने प्रीता को दे दी। वो वैसे ही सिटी हॉस्पिटल जा ही रही थी और रास्ते में तेरा ऑफिस तो पड़ता ही है, तो मैंने उससे कहा कि प्लीज ऋषभ को ये फाइल जाते जाते दे देना, बस वो पहुंचती ही होगी। थैंक यू मॉम। ओके टेक केयर। भाई दैट फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कहो तो मैं घर जाके ले आऊं। अरे भाई बताओ ना, प्रीता यहाँ आ रही है। थैंक गॉड मुझे उससे बात करने का मौका मिल रहा है। ये सस्पेंस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे।
पूछता तो चले प्रीता मेरे लिए फील क्या करती है, मुझे पसंद भी करती है या नहीं, तभी तो मां से अपने दिल की बात कर पाऊंगा। ये कैसी अजीब सी फीलिंग महसूस कर रही हूँ मैं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई पावर है, कुछ तो है जो मुझे अंदर जाने से रोक रहा है। ऐसा क्या हो सकता है यहाँ जिससे मुझे दूर रहना चाहिए? कुछ भी सोचती हूँ प्रीता, ऋषभ जी का ऑफिस है, यहाँ क्या खतरा हो सकता है? तो दीपक, आज से आप यहाँ बैठो। इस फोन से अगर आपको किसी को कॉल करना है तो पहले 0 डायल करना होगा। एक और चीज, इस ऑफिस में अगर आपको किसी हेल्प की जरूरत है आप मेरे पास आ सकते हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेरी पहली कोशिश तो कामयाब हो गई, अब जॉब मिल गई है तो थोड़ा सिक्योर फील कर रहा हूं। बस अब जल्द से जल्द प्रीता को ढूंढना हो, उसे ढूंढ के ये बताना होगा कि वो दिन रात मेरे ख्यालों में रहती, दूर होके भी कितना करीब है वो मेरे, बहुत करीब। अब सलील जी, प्रीता कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक। आपको पता है कि ऋषभ जी कहाँ मिलेंगे? यस मैम, वो तो अभी मीटिंग के लिए निकले, कॉन्फ्रेंस रूम में। ओ, लेकिन मुझे तो उन्हें ये फाइल देनी थी। यस मैम, उन्होंने मुझे बताया था कि आप आएंगे और ये फाइल मुझे देंगे। ओके। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप उनके कैबिन में उनका वेट कर लीजिए। ओके। उनका कैबिन आप यहाँ से ऊपर जाइए फर्स्ट फ्लोर पे और वहाँ से राइट लेते ही सेकेंड रूम। थैंक यू। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने प्रीता की आवाज़ सुनी थी, कहाँ चली गई वो? I'm sure ये प्रीता ही थी। आज मेरा कितना लकी दिन, सुबह जॉब मिली और अभी प्रीता। सलील जी ने कहा था राइट और मैंने लेफ्ट ले लिया। दीपक तुम यहाँ पर? वो मुझे लगा मैंने प्रीता को देखा। प्रीता? कौन प्रीता? अगर ये मैनेजर प्रीता को नहीं जानता इसका मतलब वो यहाँ काम नहीं करती, और अगर वो यहाँ काम नहीं करती तो मेन ऑफिस के अंदर कैसे आ सकती? वैसे भी ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, यहाँ फिजियो का क्या काम? वहम था मेरा, मेरे दिमाग पे छाई हुई है ना वो, इसलिए। दीपक आई एम सॉरी सर, मैं अपने केबिन में जा रहा हूँ। सॉरी, वो ऋषभ जी का रूम कहाँ है आपको पता है? ओके थैंक यू। सर मिस्टर सलील, आपने उनको रुकने के लिए कहा? यस सर, मैंने उन्हें केबिन में रुकने के लिए बोला। वंडरफुल, जस्ट टेक केयर ऑफ, ओके? चलिए। तो मिस्टर सिंघानिया, इस फाइल में सारे फैक्ट्स और फिगर्स हैं, हम इसे डिटेल में डिस्कस कर लें प्लीज। क्या करूं मैं इस फाइल पे? इसमें जो कुछ भी लिखा है उससे मेरा डिसीजन चेंज होने वाला नहीं है मिस्टर समीर। सर इज दिस अ मीटिंग और सम काइंड ऑफ अ जोक हैपनिंग? नहीं मतलब जब आपका मन करा आप लूथराज के साथ डील करेंगे, जब आपका मूड नहीं किया तो डील ऑफ। आई मीन दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल सर, आप ऐसे कैसे अपने फैसले बदल सकते हैं? जेंटलमैन प्लीज एक्सक्यूज मी, आई हैव एन इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, तो मैं अभी बस 10 मिनट में। ओके यू कैन। 5 मिनट रुकिए आप। मिस्टर समीर मुद्दे की बात समझ ही नहीं रहे हैं। कैसा मुद्दा सर, सब कुछ तो आपके सामने क्लियर है, अभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इसमें कुछ फायदे की बात देखे तो मैं देखूँ ना, मैं अपना पैसा कुएं में डालने नहीं आया हूँ यहाँ पर। ओके, जस्ट गिव मी अनदर चांस। काश मैं यहाँ से भागकर प्रीता के पास जा सकता, मुझे बस 5 मिनट का वक्त चाहिए अपनी लाइफ सॉर्ट आउट करने के लिए। बस एक सवाल और एक जवाब, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला इन पर डिपेंड करता है, और ये तभी होगा जब मैं एक बार प्रीता से बात कर पाऊंगा। एक बार प्रीता से मेरी बात हो जाए
फिर मैं शर्लिन को कॉल करके सारी गलतफहमी के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। Sherlin, how are you? I'm good. How are you? Great, yeah. You're looking nice as ever. Thank you. ओए होए, ये मिलने का कौन सा तरीका हुआ भाई? हुँ? ये तेरी होने वाली भाभी है तो तुझसे बड़ी हुई ना, पैर छू के आशीर्वाद ले पुत्र। ये क्या चीज होती है भाभी? ये कौन से जमाने की बातें कर रही हो आप? दिस इज फाइन। दीदी आपको तो पता ही है ना कि मैं रीति रिवाज में कितना विश्वास रखती हूँ। अब हर रिश्ते की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है जो हमें उसे देनी चाहिए। हैं जी, तुम्हारी होने वाली भाभी है, उम्र में बड़ी है तुमसे। ओके माताश्री, ओके। शैलेन जी, मेरी माताश्री तो मुझे रीति रिवाज भूलने नहीं देंगी। हम लोग हाय हेलो करने का एक नया तरीका ढूंढ लेते हैं, समथिंग लाइक आशीर्वाद दीजिए। दैट्स कूल। ये कौन सा तरीका था भाई? ये तो मॉडर्नाइजेशन की हद्दी कर दी तुमने। नॉट राइट करण। मैंने हाय हेलो भी बोल दिया और आशीर्वाद भी मिल गया। बस करो शर्लिन, घर आई है, हमारी मेहमान है, थोड़ा नाश्ता पानी जूस, यू नो सम अरेंजमेंट। यू आर राइट दीदी, बिल्कुल। मैं अभी जाके अरेंजमेंट्स करके आती हूँ, ठीक है? थैंक यू भाभी। अच्छा बेटा, कम इनसाइड। शर्लिन, मॉम की बातों को बुरा मत मानना। वो माँ कम और दादी ज्यादा बनती है। और मेरी छोटी बहन कृतिका, वो बहन कम और माँ ज्यादा बनती है। एंड माय दादी, वो दादीगिरी आई मीन बिल्कुल नहीं दिखाती दादागिरी। दादी कम और तो ज्यादा है वो। What? नहीं समझी ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ लोग अपना रोल छोड़ के दूसरे रोल में घुस जाते हैं, हल्के हल्के समझ में आ जाएगा। You said, I'll just come on. कोई वजह नहीं थी। अरे आपकी कंपनी के शेयर मार्केट में इतने नीचे गिर गए, कोई वजह नहीं थी। आप लोगों ने मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? सर मिस्टर सिंघानिया बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। समीर मीटिंग कल तक के लिए पोस्टपोन। कल क्यों, आज क्यों नहीं? ऐसे कैसे कोलैबोरेट करेगी मेरी कंपनी आपके साथ? मिस्टर सिंघानिया प्लीज रिलैक्स, आपको कल तक आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कल नहीं, मुझे आज के आज अपने सवालों के जवाब चाहिए। ऐसा क्या काम है जो आपके लिए बिजनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त? जहां तक मैं जानता हूँ, सारी दुनिया जानती है कि बिजनेस आपके लिए सबसे ऊपर है। अरे मेरे चार सवालों के जवाब दे दीजिए। मिस्टर समीर क्या बोलते हैं, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं, कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ। मिस्टर सिंघानिया, अब अगर आपने मुझे एक बार भी यहाँ पर रुकने के लिए कहा ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे क्लाइंट हैं। और ये डील मैं खुद कैंसिल कर दूंगा। एंड आई डोंट केयर अबाउट एनीवनस मनी, यू अंडरस्टैंड दैट? आप अकेले नहीं हैं जैसे सवालों के जवाब चाहिए मुझे। समीर हैंडल इट। आखिर ये सब हो क्या रहा है? आज ऋषभ भाई बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात क्या है? कम सिट। करीना आंटी, आपकी मॉम से बात हुई क्या? मॉम से किस लिए? मतलब मॉम का कॉल नहीं आया आपके पास? नहीं, कोई कॉल नहीं आया, पर किस सिलसिले में तुम बता सकती हो मुझे? एक्चुअली आंटी, अगर आप मॉम से बात कर ले तो बेटर होगा। देखो शर्लिन, आज मैं पहली और आखिरी बार तुमसे कुछ कहने जा रही हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। ये बहुत ही खुशी की बात है कि तुमने ऋषभ को पसंद किया, इस रिश्ते के लिए हाँ कही। लेकिन अगर इस घर में कोई बहुत ही शिद्दत से ये रिश्ता चाहता था तो वो मैं थी। मैं और तुम्हारी मॉम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं। मैंने ही तुम्हारी फोटोग्राफ मेरे फैमिली मेम्बर्स को दिखाई, क्योंकि मेरी ये गट फीलिंग थी, ऋषभ लूथरा की वाइफ बनने के लिए यू आर द बेस्ट चॉइस एंड यू आर माई चॉइस। इसलिए तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मन में जो है वो कह दो, कभी भी कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारा ही साथ दूंगी। एक्चुअली आंटी, कल कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। शर्लिन, कल ऐसा क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था? कल हम तीनों रेस्टोरेंट गए थे और वहाँ पर रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट ने स्टूपिड सा कंपैटिबिलिटी गेम रखा था। ऋषभ एंड पीता वर द बेस्ट कंपैटिबिलिटी पार्टनर्स आउट देयर, और उस वक्त तो मैंने मैनेजमेंट को बोल के रिजल्ट को रिवर्स करवा दिया। पर जब मैं घर गई और मैंने उसके बारे में सोचा, मैं डर गई। आंटी, मुझे लगता है कि ऋषभ एंड पीता के बीच में कुछ चल रहा है। ऋषभ और प्रीता के बीच में ऋषभ की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। बिलीव मी आंटी, आई कैन सेंस इट, उन दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ चल रहा है। मुझे ना डाउट है, अरे डाउट छोड़ो, यकीन है कि करण भाई और प्रीता का सीन चल रहा है। ऋषभ की तरफ से ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर कुछ है
तो बस दया है। उसे ना लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, तो बस प्रीता की तरफ भी सिर्फ हमदर्दी है उसे। तो टेंशन मत लो, आ जाओ बैठ जाओ, रिलैक्स। थैंक यू आंटी, आपसे बात करने के बाद मुझे यकीन हो गया कि ऋषभ की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। ऋषभ की तरफ से ऐसा कुछ है ही नहीं, और अगर 1% हुआ भी तो हम लूथराज ऐसी थर्ड रेट मिडिल क्लास लड़की को हमारे घर की बहू बनने की परमिशन दे ही नहीं सकते। वैसे भी ऋषभ ने हमेशा वही किया है जो उसकी करीना बुआ ने चाहा है। इस घर में करीना की बात कोई नहीं काटता, कोई भी नहीं। ओह माय गॉड, बहुत बारिश हो रही है लगता है, तूफान आने वाला है। मैं रुकूं कि जाऊं? मुझे तो दादी की रिपोर्ट भी कलेक्ट करनी है सिटी हॉस्पिटल से, घर भी जाना है। पता नहीं ऋषभ जी ने रुकने के लिए क्यों कहा है। आज मैं देख लेती हूँ। रीता से बात करने का मौका मिला था इसलिए उसे रोक तो लिया, लेकिन टॉपिक की शुरुआत कहाँ से करूँ? एकदम से ये कैसे पूछूं कि वो क्या महसूस करती है मेरे लिए, कैसे पूछूं कि वो मेरी लाइफ पार्टनर बनने को राजी भी है या नहीं।